क्या करना दोस्तों, एक तरफ बेदर्द हाकिम लड़ रहा है, उसके पास आपका फरियाद नोट नहीं होगा, नहीं होगा। ये सभा के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराना चाहता है, आपकी अगर अमानत होगा तो हम लोग के गरीब के नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर जिला का शान माननीय दिनेश बाबू के पास ही होगा। यह बात याद कर लीजिए और रात में एक बार सोने के समय जरूर याद कीजिएगा कि अध्यक्ष जी ने क्या कहा था। तो एक बार हमारे बीच हमारे के गार्जियन है भगवान लाल महतो जी, अपने वाणी से सभा को संबोधित करेंगे। हम चाहेंगे कि सभा को, आपके समाज का बहुत सारा वोट है हमारे इस परवाल विधानसभा में, एक एक वोट आपके और हीरा लाल खरिया जी के नेतृत्व में हर एक बूथ पर बीना देवी जी का ही जीत होना चाहिए। तो मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों ने बहुत सारा मदद किया है और तन गर्व से चल के छाती फाड़ के दिनेश बाबू को हम लोग कहेंगे कि जो वादा किए वादा को निभा दिए। अब आपका काम है, हमने एक बार पीता, अब आप 5 साल हमको मदद कीजिए। जोदार तालियों के साथ स्वागत है भाई भगवान लाल महतो। हीरालाल खरिया जी जो पहचान के मोहताज नहीं है, इन्होंने विगत विधानसभा चुनाव में भी जो अपना प्रदर्शन यहां दौड़ाक विधानसभा में जो दिखाया है, वो भी किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से छुपा हुआ नहीं है। अभी हमारे भाई रमेश पत्रकार जी ने भी इस बात का वर्णन किया है और हम लोग के मुख्य अतिथि कह लीजिए, अभिभावक कह लीजिए, इस लोकसभा को सर्वे सर्वा जो लड़ रहे हैं, वैसे शख्सियत का नाम हम लोग के बड़े भाई आदरणीय दिनेश प्रसाद सिंह जी, इनकी पहचान पूरे बिहार में हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री जी को भी कोई नया कानून बनाना पड़ता है तो एक बार दिनेश बाबू से राय विचार जरूर या मशविरा जरूर करते हैं, क्योंकि हम ही जनता दलियों में जब समता पार्टी था उस समय से लेकर के 2015 तक हमने जनता दलियों में काफी लंबा वक्त बिताया नीतीश जी के साथ में, बहुत ही लंबा समय तक रहे। 2015 में किसी कारण से मन नहीं लगा, वो चले गए थे दूसरे जगह, तो हम अपना भारतीय जनता पार्टी का संस्था ग्रहण किए थे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी आए हुए थे हमारी सदस्यता में। साथियों, हम लोकसभा चुनाव के लिए वोट मांगने आए हैं। आप सभी बहुराज विधानसभा के जितने भी नौजवान हैं, मित्र हैं, बुजुर्ग हैं, आप सभी लोगों से, सभी लोगों का ध्यान केवल इस बात पर आकृष्ट करना चाहते हैं कि कितना सुंदर नाम है पूरे दुनिया में वैशाली, जहां गणतंत्र की स्थापना हुई थी। चुनाव यहां कौन लड़ रहा है? चुनाव यहां कौन लड़ रहा है? कहीं भी बात होगा कि भाई आपके एनडीए के खिलाफ में कौन है उम्मीदवार, तो अजीब सा मैंने ये महसूस होता है कि एक तरफ जो है हमारा सुशासन की सरकार, जो दिल्ली से लेकर के डबल इंजन की सरकार, वो बिहार तक रन कर रहा है, जिसके ऊपर आज तक किसी सांसद के ऊपर, किसी मंत्री के ऊपर, जो हमारा घटक दल के जो सहयोगी पार्टी है, चाहे उपेंद्र जी हो, चाहे जीतन राम मांझी जी हो, चाहे नीतीश कुमार जी हो, किसी के ऊपर कोई घपला, घोटाला, भ्रष्टाचार का कोई चार्ज नहीं है, जबकि इतना हाईटेक जांच एजेंसी सब हो चुका है, कोई चार्ज नहीं है। दूसरे तरफ कौन है? दूसरे तरफ वही है जो सजायाफ्ता कैदी है, जो बेल लेकर के घूम रहे हैं, उनके बाल बच्चा को भी जेल जाना है, इसलिए वो पहले से बेल की व्यवस्था करवा रहे हैं। बहुत मुख्यमंत्री जेल के अंदर है, मुख्यमंत्री की पत्नी बाहर में चिट्ठी पढ़ पढ़ के लोगों से बात करती है, बहुत सारे लोग बेल के लिए कचहरी दौड़ रहे हैं। एक तरफ वैसा गठबंधन है बिहार में है, तो ऐसा हमारा लड़ाई, तो हमको लगता है कि हमारा
जो महागठबंधन जिसको इंडी गठबंधन कहता है भाई, उसका जो मुखिया है वो तो हमारे लिए वोट मांग रहा है। उसका जो मुखिया है, उसके पार्टी का जो सर्वे सर्वा मुखिया है, वो तो हमारे लिए वोट मांग रहा है। वो तो पहले ही हार मान चुका है ना। तो साथियों, एक बात हम ये जरूर कहेंगे, बहराइच विधानसभा वैशाली लोकसभा क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित विधानसभा है। चूंकि शशि बाबू ने इसे बहुत ही मतलब कि हृदय के साथ इसको सींचा था। जितना दिन शशि बाबू रहे, वाकई में विधानसभा में किसी भी प्रकार का उस तरह का कोई उम्मीदवार का यहाँ पर कोई ठिकाना यहाँ नहीं होने दी। उन्होंने बहुत कड़ा रुख अपना करके उसको भगाने का काम किया। अभी आप लोगों से ये विनती कर रहे हैं, ये आग्रह कर रहे हैं, सभी समाज के सभी साथियों से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।